चिताओं के लिए लकड़ियां कम पड़ेगी, चंडालों को बाहर से बुलाना पड़ेगा। जो जो यहाँ उपस्थित है उन सब के घरों में मातम मचेगा, मातम। रुको, किसी को कुछ नहीं होगा। चमत्कारों के तर्क नहीं होते, और बुआ जी ने कहा था कि बलि देने से गुप्त धन मिलेगा। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि बलि और गुप्त धन का क्या संबंध है। हमारे इष्टदेव को तूने अपमानित किया है। ओम रीम क्लीम ओम रीम क्लीम इष्टदेवाय नमः। 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 मेरे इष्ट देवता को अपमानित करके शिरडी के लिए घोर संकट को आमंत्रित किया है। हेलो अंता जी, छोड़ो ये नारियल। मैंने तो कोई मंत्र भी नहीं पढ़ा। चोरी करने आया था। अप्पा, भाई जा।
सब सो रहे हैं, अब वो नहीं उठने वाले। उन्होंने वो मिठाई जो खाई थी उसके अंदर नींद की गोली थी। वो मिठाई वश में करने के लिए नहीं, तुम सबको गहरी नींद सुलाने के लिए थी। तुम फंस गए ना हमारे जाल में। लेकिन जब अपने अपराध दूसरों के सामने रखने की बारी आती है तो हम हिम्मत नहीं कर पाते। हम हमेशा दूसरों के सामने खुद को पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक साबित करना चाहते हैं। धन्यवाद साईं, आपने मुझे और मेरे बच्चों को बचा लिया। बचपन से सिर्फ दुख ही दुख मिला मुझे, कभी किसी ने प्यार किया ही नहीं, तो मैं भी सुंदर को और पुंत्र को प्यार सिखा ही नहीं पाई। उनको सिर्फ इतना सिखा पाई कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों का फायदा कैसे उठाया जाए। बस हमें माफ कर दीजिए साई, हम ये बुरा रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। हमें माफ कर दीजिए साईं। क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी इन्हें क्षमा कर दें। शिरडी में हम आए थे चोरी करने, लेकिन यहां आने के बाद अब ऐसे लग रहा है जैसे तीरथ कर लिया। सारे पाप धुल गए हमारे और साक्षात भगवान के दर्शन भी हो गए। आप सबसे जो कुछ भी लिया था वो सब वापस कर देंगे हम। अंता जी, सरकार को यह सब बता देना चाहिए। हाँ अंता जी, चलिए। हाँ। अच्छा, साईं ने कहा माफ कर दो तो माफ कर दिया सबने, और मैंने जो सोने के सिक्के खोए हैं उनका क्या? अगर इन सबको अपना सामान लेने का हक है तो मुझे भी मेरे सोने के सिक्के चाहिए। साईं, लाओ मेरे सोने के सिक्के। बस बस कर बिंदु, बस। हद होती है लालच की, पागलपन की। शर्म आती है मुझे कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया। कितना गिर गया हूं मैं लोगों की नजरों से, कहीं ज्यादा खुद की नजरों में, और वो भी तुम्हारी वजह से। सुनिए, राणो जी, आपकी निशानी, आपकी पाली हुई इस बकरी चंदा को बचाने के लिए कावेरी प्राण देने जा रही थी। क्या आप भी, आपको उसके प्रेम का कोई प्रमाण चाहिए? आपके साथ कावेरी ने जो कुछ भी किया उसका दंड उसे मिल चुका है। राणो जी, कावेरी को स्वीकार करो, उसके साथ रहो, यही तुम्हारा धर्म है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.